इतना घंटे घंटे भर लग रहा है कि लोग बेहोश हो रहे हैं जो ताजे मंदिर के दर्शन के लिए। अरे किधर से यार? अच्छा हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योनुक्षीयमामृता, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में हूँ, इतना टाइम लग रहा है, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे लगभग। और मैं बता रहा हूँ वहाँ पे दर्शन मेरे ख्याल से ऐसे हो रहे होंगे जैसे भैया प्रसाद लेके आ रहे ना, तो एक एक मुर्रे पहले चढ़ाएंगे, फिर ये फूल की पत्ती, ये नारियल को वहाँ फोड़ेंगे, फिर भैया को प्रसाद वसाद खिला के बढ़िया फिर विदा करेंगे, पटकेंगे। टाइम कैसे? हे भगवान, साढ़े 5 बजे से अंदर गया था, अभी लगभग 8:30 बज रहा है, 3 घंटे से दर्शन नहीं हो पाए। यहीं से दर्शन हुए, लाइन में खड़ा था। और ये है मंदिर, और जो दर्शन है बस यहीं से हो रहे। अब काफी टाइम लग गया, रात हो रही, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, अब निकलते हैं। इतना घंटे घंटे भर लग रहा है कि लोग बेहोश हो रहे हैं, जो ताजे फूल ले जा रहे हैं उनके फूल मुरझा रहे हैं, बेहोश हो रहे भैया लोग, 3-4 घंटा, उसके बावजूद भी दर्शन नहीं हुआ। इतना टाइम कैसे लगता? इतने लोग बेहोश होंगे मालूम अंदर? अभी हमारे सामने 12 लोग ज्यादा हो गए, हमारे सामने हुए। आपको क्यों बोल रहा था कि आप इधर बाहर के दर्शन कर लो, यहाँ से दर्शन के लिए जो है ना, 200 रुपए भी बंद कर दो। सबसे पहले बुजुर्गों को तो मौका दे दो, बुजुर्ग और छोटे बच्चे उनको मौका दो VIP लाइन। वो बुजुर्ग अपने अंतिम दिनों में दर्शन करने आ रहे हैं, बाबा अपने दरबार में एक बार बुला लो, फिर तो मुझे आपके घर ही आना है। हाँ, आज तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो। तो समझ आया कि जबरदस्ती के खड़े करवाए जा रहे हैं। अपन देखो सीधे जा रहे हैं यहाँ से, अपने पास रास्ता है ना निकलने का, अपन सीधे जा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि आगे यदि भीड़ है तो भीड़ क्यों हो रही है? रोक के रख रहे हैं। पीछे यंग 2 लड़के मेरे साथ के, मैं निकला वो निकल गए, मेरे बाजू में फैमिली, यंग फैमिली खड़ी वो निकली, एक वो लेडीज, 3 लोग के बेचारे जल्दी हमको एग्जिट में जाना है। भैया देख, मेन चीज क्या है, हम आए 800 किलोमीटर से लगभग ज्यादा ही हो गया होगा, 1000 किलोमीटर पकड़ दूर से, केवल और केवल मात्र दर्शन के लिए है, मात्र दर्शन के लिए है। उसके अलावा हमने यहाँ की दूसरी चीज भी नहीं देख पाए, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है। अब आपका व्यापार मार खाया आपने, हमको इतने दूर तक के लाए, समय खराब हुआ। नहीं भैया, ज्यादा भीड़ है, इससे ज्यादा भीड़ है भैया, सच्चाई बोलूं, आधे घंटा, कौन घंटा, 1 घंटा बहुत हो जाए। नहीं भैया, मैं पहले सोमवार में दर्शन करके आया हूँ, सावन के इसी साल की बता रहा हूँ, वीडियो भी डाला हुआ है। इतने जल्दी दर्शन हुए मेरे, क्या बताऊँ भैया, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं नियम के मालूम है, इधर के गेट से आ रहा हूँ, उधर निकलना है ना, तो बीच में रुको ही मत। नहीं, रुकना ही नहीं देते, और VIP वाली टिकट जो है वो बंद, पूरी VIP दर्शन नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बेकार क्या लग रहा है भैया मालूम, इंसान 1000 किलोमीटर 2 रात जग के 2 दिन खराब करके बिना कुछ दर्शन किए वापस चले गया, तो क्या कर रही होगी दिल में भैया। पहला मंदिर देखा मैंने, मैं घूमता रहता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ,
लेकिन इतने देर खड़े रहने के बावजूद भी दर्शन नहीं हुए, लौट गया बिना दर्शन के। तो हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। 3-3.5 हम तो 3.5 घर रहे, हो सकता है 5-6 घंटा भी लोग खड़े हैं। लगे हैं हम लोग कहाँ थे मालूम है? मंदिर के गेट के पहले का ब्लॉक छोड़ो और दूसरे में थे हमको अभी। और भैया दूसरी चीज, मैं कंट्रोल की बात कर रहा था, किसी को वॉशरूम आ रही है, किसी को पानी कॉल आ गया तो पीछे वही। हाँ बिल्कुल, नहीं हो पाएंगे। ये चीज है बहुत, मतलब सोचने और विचार करने की बात है। हमको भी, हम तो नहीं लेकिन मंदिर ट्रस्ट को करने की जरूरी है। मैं तो जितने लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा, सब सलाह दीजिए भैया, आप सब सलाह दीजिए। सलाह यदि बीच में आप किसी को रोकोगे ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगा। तो दर्शन मुश्किल से मुश्किल, मैं बोल दे रहा हूँ VIP दर्शन भी बंद कर दो, आधा घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे।